हाय दोस्तों, E4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉल और ट्रू की आईडी कैसे बना सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम कॉल और ट्रू की आईडी कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लीजिए आप। और ये देखिए, हमारे पास कॉल और ट्रू है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी कंट्री में रहते हैं आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया में रहता हूँ, तो आपको यहाँ पे कंट्री नेम है, तो यहाँ पे आपको सर्च कर नाम लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा, तो यहाँ पे फर्स्ट में इंडिया आ गया, तो यहाँ पे मैं इंडिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं अपना डाल लेता हूँ, आप भी डाल लीजिए, जो आपके फ़ोन में लगा हुआ है वही मोबाइल नंबर। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे नीचे में जहाँ पे एंटर योर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल लिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आप यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू का एक मिलेगा, हरा कलर में लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर जो आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री, यहाँ पे इस तरह से आएगा योर पॉलिसी इन इंपोर्टेंस फॉर्म यूज़ के लिए आपके लिए, और यहाँ पर आपके एग्री करने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पर एग्री कर दीजिए। तो आपके मोबाइल पर यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कोड जाएगा, तो प्लीज़ कोड को यहाँ पे आपको भरना है, सेंड लिखना है, इसमें डाल लेना है। तो चलिए, हम यहाँ पे कोड को डाल लेंगे, आपके मोबाइल पे आएगा। दोस्तों जैसे कि आप कोड डाल लेंगे, आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली आपको इस तरह से लिख कर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप फेसबुक अकाउंट बनाए हैं तो आप यहां से बना सकते हैं इसका नाम के साथ आईडी। अगर आप गूगल अकाउंट बनाए हैं तो इससे भी आप कर सकें। अगर आपके पास नहीं है फेसबुक अकाउंट और गूगल अकाउंट, तो आप यहां पे नेम मैन चूरी जहां पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे टैब्स, और यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिख लिया है। और यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल लीजिए, और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरह आएगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट और फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे आपको कॉल एसएमएस चाहिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट इस तरह से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको, तो दोस्तों जैसे कि आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका इस तरह से कॉल ट्रू अब आ चुका है आईडी। और जब भी आपको बंदे कोई कॉल करेगा, तो आपका नाम, उस बंदे का नाम आपको सामने स्क्रीन पर आएगा।